अजमेर के एमडीएस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय श्रीमाली का शनिवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। रविवार को सेक्टर 11 स्थित आवास से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के सैकड़ों लोगों ने गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मौके पर गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया भी अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल कल्याण सिंह की ओर से भेजी गई पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। आपको बता दें कि अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय श्रीमाली का मल्टी डिजीज के चलते इलाज के दौरान शनिवार शाम निधन हो गया था। श्रीमाली के निधन से उदयपुर और अजमेर सहित प्रदेश के शिक्षा जगत में शोक की लहर है। शिक्षा की दृष्टि से अपने आप को जिस ढंग से आगे बढ़ाया, मैं सोचता हूँ कि समाज का शिक्षा के क्षेत्र में इतनी ऊंचाई छूने वाला ये पहला व्यक्ति है। लगातार अपने परिश्रम से उसने अपने आप को बनाया और वाइस चांसलर बनने का भी इसको सौभाग्य मिला। लेकिन डायबिटीज़ बहुत भारी होने और उसकी ज़्यादा चिंता नहीं की, उसके कारण से शरीर को कमजोरी आई। वैसे इस व्यक्ति ने शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया। ईश्वर जो है उनको सदगति दे और हम सबको एक ताकत दे कि हम उनकी कमी को पूरी कर सकें।